कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने किया तलब। पोस्टर लगाने के बाद भी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। लखनऊ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौरतलब है कि आज ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को जो ईडी जो पूछताछ कर रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संविधान की हत्या हो रही है और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करे, और उसी रक्षा के तहत आज हम सड़कों पर उतरे हैं। अब चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी है, इस इनकम टैक्स है, ये सभी लोग विरोधियों के खिलाफ। हम पूछना चाहते हैं कि व्यापक घोटाले में क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ईडी हो या इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकंठ में डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार के, कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज तलब किया गया था। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि इस वक्त मैं कांग्रेस के कार्यालय पे हूँ, जहाँ प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस चस्पा की गई थी कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ ऐसे कृत करने वाले लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में जब कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, साथ ही साथ यहाँ भारी पुलिस बल लगाई जाती है। धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ से निकल कर और ईडी के दफ्तर पहुँच जाते हैं। वहाँ ईडी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्त में ले लेती है। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में केस में पूछताछ चल रहा था, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन किए। हिरासत में कई कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए गए हैं, कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। ईडी ने राहुल गांधी को समन भेजा था, जिसके बाद से राहुल गांधी से आज पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर देश भर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली है। ईडी दफ्तर में पेशी, हालांकि लखनऊ कार्यालय के बाहर साफ साफ ये नोटिस लगाया गया था कि कोई भी कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके बावजूद भी पहले कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की केस में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है ईडी दफ्तर में। वहीं कार्यकर्ताओं ने जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशित जी, किस तरह यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि नोटिस लगाया गया था कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा? देखिए, इस जुल्मी हुकूमत की सारी जेलें भर जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मित्र देश, जो कि उनका और संघ का मित्र देश है आरएसएस का पाकिस्तान, उससे जेलें उधार मांगनी पड़ेंगी। किसको किसको जेल भेजेंगे, इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन ये प्रदर्शन शांति से भी तो किया जा सकता था अशित जी। कहाँ शांति हुई है, कहाँ हिंसा हो गई, कहाँ आग लगा दी गई? पुलिस गिरफ्तारी सिर्फ क्यों कर रही है? अगर अशांति नहीं थी तो पुलिस गिरफ्तारी क्यों कर रही है?
ये सवाल आप पुलिस से पूछिए। इस देश में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का राइट तो हर आदमी को, एक एक नागरिक को है, वो करेगा। अब पुलिस किसे क्यों गिरफ्तार कर रही है, ये सवाल आप पुलिस से पूछिए। तो अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या आप लोग ईडी के अधिकारियों पे ही सवाल खड़ा कर देंगे? आप लोग ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही नारेबाजी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ईडी ब्रह्म है क्या कि ईडी पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता? ईडी ने इस देश में गलतियां नहीं की है क्या कि ईडी पर सवाल खड़े नहीं हो सकते? ईडी पर सवाल खड़े, कार्यालय के बाहर पहुंच जाएंगे? हाँ जी, एकदम पहुंचेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। ये शांति तरीके से भी तो आप लोग न्याय की गुहार लगा सकते हैं ना? एक अशांति बता दीजिए ना, आप एक अशांति बता दीजिए कि भाई किसी ने कहीं कोई अशांति फैलाई है। तस्वीरों में क्या दिख रहा है अशोक जी, क्या दिख रहा है तस्वीरों में? क्या हिंसा फैलाते दिख रहे हैं लोग? क्या दिख रहा है आप बताइए? क्या नारेबाजी करते हुए नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता? बड़ी ठंडा बात, आप बताइए एक जगह आपको आपकी क्या मांग है, आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या पक्ष रखना चाहते हैं आप? सुनिए सुनिए सुनिए, आप बताइए, एक सिंपल सा मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने टैक्स असेसमेंट की मांग कोर्ट में जाके की थी कि भाई राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी का टैक्स असेसमेंट किया जाए। टैक्स असेसमेंट का काम किसका है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है भाई। आप टैक्स असेसमेंट कर नहीं रहे हैं, आपने सीधे ईडी का नोटिस जारी कर दिया, इतनी तानाशाही चलेगी क्या? सारी एजेंसी आपके अधीन है तो क्या मतलब आम जनता के सीने पर आप राइफल लगा के कहिएगा कि अब तुम अपने सारे काम करो, पुलिस की राइफल तुम्हारे सीने पर रहेगी? ये नहीं होगा ना जी। असेसमेंट मामूली मामला था, असेसमेंट का, टैक्स असेसमेंट का मामला है, टैक्स असेसमेंट हो जाता, हम कहां उसका विरोध कर रहे हैं? हम तो सम्मानजनक तरीके से आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन ईडी का नोटिस गलत तरीके से गया और हर गलत का विरोध होगा जी। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको बहुत साफ कह दे रहा हूँ, इस देश की पुलिस, जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं, इस देश को पुलिस, देश की पुलिस को सरकार ने अपना लखैत बना रखा है। आपको याद होगा दिल्ली दंगों के मामले में भी वहाँ की कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य पुलिस का इस्तेमाल सरकार के लखैत की तरह होने लगा है, ये ठीक नहीं है, यही हम भी कह रहे हैं जो कोर्ट कह रहा है जी। एक बात बताइए, जो कार्यकर्ता, नहीं अब आप, अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आप अनुमति दीजिए जी। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। जिस तरह से कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे और पुलिस उन पर कार्रवाई करती हुई दिखी, एक साफ सा मामला है कि टैक्स असेसमेंट का मामला था जिसके बाद अब ईडी ने समन भेज दिया है और ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत है, सरकार ईडी को निजी तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं होगा, सीधा जो इल्ज़ाम है वो कार्यकर्ता मौजूदा सरकार पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरह की, वही हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं, विभांशु के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अभी पुलिस इन पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है? ये बस किस तरह से कार्रवाई अब पुलिस कर रही है? क्या पुलिस भीड़ को हटाने में कामयाब हुई है? प्रदर्शनकारियों को रोक पाई पुलिस? कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसको लेकर। उनका कहना है कि टैक्स असेसमेंट का मामला ईडी का नहीं है, प्रोसीजर वाइज जो कार्रवाई है वो किया जाए, एक प्रोसीजर से कार्रवाई होगी। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। राहुल गांधी की आज पेशी ईडी दफ्तर में हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस प्रवक्ता विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वहीं कई कांग्रेसी नेता हिरासत में भी लिए गए हैं, पुलिस लगातार इनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है।
चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, हर किसी में भारी रोष देखने को मिल रहा है इसके खिलाफ। लखनऊ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने किया तलब, पोस्टर लगाने के बाद भी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के बाहर एक नोटिस जस्पा किया गया था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। उसके बावजूद भी जब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया है, प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस में भी जमकर झड़प हुई है। देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद पुलिस उन्हें वहां से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी को लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को नोटिस भेजा गया था। वहीं इसी मामले में आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी। हालांकि लखनऊ कार्यालय के बाहर साफ साफ ये नोटिस चस्पा किया गया था कि कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो रोडों पर आए और भीड़ इकट्ठा हो गई। जो अधिकारी है ईडी के, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कार्यकर्ता, जिसके बाद पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी हुई है, लगातार पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं और देश भर में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर वाइज काम किया जाए। डायरेक्ट ईडी ने क्यों तलब किया राहुल गांधी को, टैक्स असेसमेंट का मामला था, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ चल रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र, किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं, जिस तरह से देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूछताछ चल रही है राहुल गांधी से उसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने के बजाय श्रीमान राहुल गांधी को यह सलाह देनी चाहिए कि नेशनल हेराल्ड का पैसा कहां गया, वो सच देश की जनता को बताएं। और लोकतंत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार का संरक्षण किया जाए जी। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ये बात साफ करना चाहिए लोगों के सामने कि नेशनल हेराल्ड का जो पैसा था वो आखिर कहाँ गया। लेकिन हरीश चंद्र जी, उनको बताना चाहिए जी, उनका तो ये कहना है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल करी थी वो टैक्स असेसमेंट का था, तो टैक्स असेसमेंट के लिए ईडी क्यों सामने आई? टैक्स असेसमेंट तो ईडी का काम नहीं है, ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, इनका इल्जाम है। उसमें जो जांच पड़ताल एक लंबे टाइम से 2015 से मसला चल रहा है और उसमें लगातार बहुत सारी जो जांचें हुई, जो जांचों में जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ईडी ने उनको समन किया है। और वो अगर उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है, तो आखिर ईडी के सामने जाने में उनको ईडी को इस संदर्भ में जो सत्य है उसको बताने से गुरेज क्यों है? जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद हरीश चंद्र जी।
जहां एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि गलत प्रोसीजर के थ्रू कार्रवाई की जा रही है राहुल गांधी पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि अगर वो गलत नहीं है तो उनको ईडी के सामने जाने में परहेज कैसा, ईडी के सामने जाने में उन्हें डर कैसा है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या भीड़ को हटाने में पुलिस कामयाब हुई, भीड़ को हटाया जा चुका है? जी, आपको बता दें कि आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से समन भेजा गया था राहुल गांधी को, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पर आज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही साथ इसका विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अगर देखा जाए तो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आपको बताएं कि मैं इस वक्त कांग्रेस के मुख्यालय पे हूं, जो प्रदेश मुख्यालय, जहां ठीक पीछे तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहां नोटिस लगाया गया था और प्रशासन की तरफ से नोटिस लगाकर कहा गया था कोई ऐसे कृत्य नहीं किए जाएंगे, साथ ही साथ कोई प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय है यहाँ ना प्रदर्शन होकर, और लखनऊ स्थित जो प्रवर्तन निदेशालय का कार्यालय है वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेसियों जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे ये आरोप है कि सरकार के निर्देश पर ये एजेंसियां काम कर रही है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस की विधायिका आराधना मिश्रा मोना की तरफ से कहा गया है कि पिछले विगत 8 सालों में केंद्र सरकार ने तमाम जो एजेंसियां हैं जो पारदर्शिता के साथ देश को एकता और अखंडता के लिए काम करती है, साथ ही साथ देश को जोड़ने का काम करती है, साथ ही साथ पूरे पारदर्शिता के साथ हर एक व्यक्ति विशेष के लिए एक समान तरीके से देखती है, उसी क्रम में जो विधायिका आराधना मिश्रा मोना है उनकी तरफ से कहा गया कि 8 सालों में केंद्र सरकार बहुत ही गलत तरीके से जो एजेंसियां उनको उपयोग कर रही हैं अपने फायदे के लिए। वहीं आपको बताएं कि आज हजारों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यालय है वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं आपको बताएं कि कल बीते दिन कल सचिन पायलट और आराधना मिश्रा मोना की तरफ से सत्याग्रह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कहा गया कि कल कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे और जो ईडी के समन भेजा गया है उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में आज उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है और इसको देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर भारी फोर्स का तैनाती की गई, मगर कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन ना करके और प्रवर्तन निदेशालय के जो कार्यालय है वहां जाकर प्रदर्शन किए। वहां पे भी फोर्स लगाकर और कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लेकर इको गार्डन भेजा गया, जिसमें 151 के तहत उन्हें देर शाम जमानत भी दे दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी तृष्णा, विभांशु क्या कुछ पूरा मामला है जिसको लेकर पहले सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों को टैक्स असेसमेंट और नोटिस भेजा गया, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कार्यवाही अभी चल रही है, क्या पूछताछ अभी चल रही है राहुल गांधी से ईडी के जो अधिकारी है, क्या अभी भी वो पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ खत्म हो चुकी है? जी कृष्णा, आपको बता दें कि बीते 10 को पहले एक मामला हुआ था नेशनल हेराल्ड, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेताओं के नाम थे, जिसको लेकर ये मामला विगत सालों से चल रहा है। तो बीजेपी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दलील देकर इस पर कहा गया था इसकी सुनवाई की जाए, जिसके बाद लगभग आपके 2.5 से 3 सालों बाद इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजकर बुलाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में आपको बताएं कि अभी अगर देखें तो दिल्ली का जो प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय है वहां कांग्रेस के अगर देखें तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी भी जो पूछताछ के लिए बुलाया गया वहां पहुंच चुके हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंगाल से सांसद के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अधीर निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे कई सारे कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बताएं कि जो ईडी का कार्यालय है दिल्ली के अंदर मुख्यालय है वहां पिछला हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जब सुबह पहुंच रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ है उनको हटाया गया। साथ ही आपको बताएं कि जो दफ्तर है ईडी का उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और वहां तमाम कार्यकर्ता जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वही पिछला मैं यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करूंगा जिनसे जानूंगा की इस कार्रवाई पे उनका क्या कहना है। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से, क्या कहते हैं लोग, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम तुलसीदास मोदी।
जिला कांग्रेस कमेटी का मुखपत्र। अच्छा, आज ईडी को, ईडी की तरफ से समन भेज कर राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, इससे आप क्या कहें? समझे कहीं जो है सरकार के दबाव, भाजपा सरकार है, जो भाजपा सरकार है वो गलत तरीका अपना रही, क्योंकि ये तो ना किसी को कोई बात कहने देते हैं, लोकतंत्र को रोंद रहे हैं, और अगर हम कोई भी कोई बात कहता है, एक गरीब वर्ग मजदूर भी कोई बात कहना चाहे तो उसको नहीं कहना देना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र खत्म कर दिया, जब तानाशाही दिखा रहे हैं, तानाशाही करके जिस तरफ अपना वो जो गुलामी वाला कार्यक्रम था उसी पर ये काम करने जा रहे हैं, सबको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, कल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि लखनऊ के अंदर में धारा 144 लागू है, कोई प्रदर्शन या ऐसा काम नहीं होगा, और साथ ही साथ कल यहाँ सचिन पायलट जी आए थे, उनके साथ आराधना मिश्रा मोना भी थी, जिसमें कहा गया कि कल हम जन सत्याग्रह करेंगे, और आज उस पर नोटिस चस्पा करके उसके रोक लगाई गई, उसके बावजूद प्रदर्शन होता है, इससे आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं विपक्ष के सवाल उठा, सवाल उठा रहा है जो अगर ये गवर्नमेंट जो कर रही है इसका भी एक सर्कुलर है, अगर 44 धारा लागू होना है इसका 15 दिन पहले नोटिस होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। किस कारण लगा रहे हो तुम, मतलब क्या है, मतलब क्या इसका, मतलब बताइए ना कि मतलब इस कारण हम 44 धारा लाए, इसका भी एक सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है कि इसको 15 दिन पहले बताना चाहिए कि हम 44 धारा से इस्तेमाल लगने वाली है। 24 घंटे में कोई वो नहीं, ये लोकतंत्र को रोन रहे हैं, किसी कानून को मानते नहीं है, तानाशाही की सरकार है। अच्छा, ये बताए कि आज उन्हें बुलाया गया है, पूछताछ हो रही है, साथ ही आप लोग आज ईडी के दफ्तर जो लखनऊ स्थित है वहां प्रदर्शन किए हैं, जिसमें आपके तमाम जो कार्यकर्ता है नेता उनको गिरफ्त में लिया गया है, अब आगे की क्या लड़ाई होगी? लड़ाई सड़क पे लड़ाई होगी, संसद तक लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे, मरेंगे, जो कुछ भी हमारे मन में है वो भी करेंगे, अगर जब किसी प्रकार से नहीं तो फिर हम भी इसी प्रकार से कार्यक्रम को करेंगे कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे आज कल। जी शुक्रिया, आप अपना नाम बता दें। संतोष कुमार। अच्छा, ये बताया कि जो आज प्रदर्शन हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे, और आज जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, सब पूछताछ हो रहा है नेशनल हेराल्ड मामले में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, संवैधानिक संस्थाओं का ये पहली सरकार है जो संवैधानिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों को गलत तरीके से उपयोग कर रही है। जी दृष्टा जी विभांशु भाई, अगर बात की जाए प्रदर्शन की, तो क्या कार्यकर्ताओं को हटाया जा चुका है लखनऊ से? अभी जो कार्यकर्ता ईडी के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्या उनको हटाया जा चुका है, और जो कार्यकर्ता है क्या वो कार्यालय पे मौजूद है? जी दृष्टा, आपको बता दें कि आज जब सुबह राहुल गांधी को तलब किया जाता है, जिसके साथ ही साथ सत्याग्रह का कांग्रेस पार्टी की तरफ से आह्वान किया जाता है, सत्याग्रह करने की बात कही जाती है, उससे ठीक पहले ही कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पूरे यहां फोर्स को लगा दिया जाता है, साथ ही साथ यहां बैरिकेटिंग कर दी जाती है जिससे प्रदर्शन न हो सके, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे वो एक एक करके और धीरे धीरे ईडी के कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किए, और धीरे धीरे पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्त में लेकर और इको गार्डन भेज दिया, साथ ही उनके ऊपर 151 के तहत मुकदमा दर्ज भी किया है, और उन्हें अगर देखें तो मिली जानकारी के अनुसार वो शाम तक उन्हें जमानत भी मिल जाएगी। जी तस्ता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी हुई है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत तरीके से पूछताछ की जा रही है राहुल गांधी की, साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर राहुल गांधी सही है, वो ऐसी किसी घटना में संलिप्त तो नहीं है, तो उन्हें पूछताछ से खौफ कैसा है? साथ ही कल अगर बात किया जाए तो कांग्रेस रामपुर खास से विधायिका आराधना मिश्रा मोना और सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सत्याग्रह करने का बात कही थी, लेकिन उसके बाद आज जब नोटिस चस्पा कर दिया गया था पार्टी कार्यालय के बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है पुलिस, गिरफ्तार कर लखनऊ में इको गार्डन भेजे जा रहे कार्यकर्ता। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई झड़प, जहां एक तरफ ईडी से पूछताछ चल रही है राहुल गांधी की, ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया है। उसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज रही है। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बाहर नोटिस लगा दिया गया था कि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। उसके बावजूद कार्यकर्ता एक एक करके ईडी लखनऊ स्थित ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जो अधिकारी हैं ईडी के, उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ दिल्ली में भी ईडी दफ्तर के बाहर, जहां राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, वहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। हालांकि आप वहां बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में भी ईडी दफ्तर में जो पूछताछ चल रही है राहुल गांधी से, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई है, गिरफ्तार कर कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और तलब है कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस भेजा गया था। सोनिया गांधी की तबीयत कुछ दिनों पहले बिगड़ी थी, वो गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी। इस बीच राहुल गांधी से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। प्रदर्शन जारी है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका, और इसी बीच जो रामपुर खास से कांग्रेस विधायिका है आराधना मिश्रा मोना से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं, जिन्हें आज हाउस अरेस्ट किया गया है। मैम ये बताइए, हाउस अरेस्ट किया गया है आपको, और नसीबुद्दीन सिद्दीकी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लगभग एक दर्जन से ज़्यादा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को जो बाहर से आ रहे थे उनको आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पर हमारे नोटिस चस्पा कर दी है और हमें पीसीसी कार्यालय तक नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, प्रजा लोकतंत्र की हत्या है। हम तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, ये महात्मा गांधी का देश है, कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है, हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमेशा किया है और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी, पर नैतिकता के आधार पर एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमें कुछ सवाल सरकार से भी पूछने थे और हमें उनकी जनता की आवाज़ को उठाना है। तो जब जब हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को इसी तरह से बंद करने का प्रयास करती है। जहाँ तक ईडी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी को अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है अपने विपक्ष के नेताओं पर। जो मामला सबजुडिस है उसमें पहले ईडी नोटिस देती है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी, वो समन को ससम्मान उसको स्वीकार करते हैं और आज राहुल जी गए वहाँ पर ईडी दफ्तर में, उन्होंने मना तो नहीं किया। अगर उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह खड़ा होना चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है, कौन सा डर है सरकार को? क्योंकि उनको लगता है कि आज लाखों कार्यकर्ता जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर सड़क पे आ जाएगा तो सरकार को ये सरकार का डर ही तो दिखाई दे रहा है। तो मैं तो पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूँ। क्या लगता है आपको कि जो सरकार है वो क्या खुफिया तंत्र और जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? भीषण दुरुपयोग कर रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप धारा 144 की बात करते, धारा 144 में स्पष्ट है
कि आप चार व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते, पर आप मुझे बताइए लखनऊ में आप भी घूमते होंगे, कहाँ धारा 144 आपको लागू होती दिखाई दे रही? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो रोक दिए गए हैं, या उनको कोई विशेष परमिशन दी गई? जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं क्या उनको रोका गया है, या उनको आपने कोई एग्जेम्पशन दिया है? आपने दिया है तो आप हमें बताइए, हम भी उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, हमें भी शांतिपूर्वक ये मार्च करने दीजिए। पर सरकार डरती है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, और सच की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आप एक साथ खड़ी है, एकजुट होकर के खड़ी है। मैम एक आखिरी सवाल था, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, ना वो महंगाई पर असफल हो चुकी है पूरी तरह से, वो बेरोज़गारी पर असफल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पर असफल हो चुकी है, जिस तरह से जीडीपी बढ़ती चली जा रही है, घटती चली जा रही है देश की, इस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आरबीआई के जो निर्णय हैं वो बता रहा है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पर सरकार के पास इन किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लिया, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए ये कर रही है, पर इसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमें जनता की आवाज़ पर, जनता की अदालत में हमारे साथ न्याय होगा, इसका हमें विश्वास है। ठीक है मैम, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा। पूर्ण तरीके से सत्याग्रह करना चाहते थे राहुल गांधी से, जो पूछताछ चल रही है उसके बारे में जो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार हमें क्यों रोक रही है? सरकार बस हम ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, सरकार हमेशा से इस तरह का कार्य करती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।